जब भी फ्लैगशिप से याद होते पैसा सबसे ज्यादा ऊपर आ जाता है, लाख दो लाख डेढ़ लाख तीन चार लाख के भी फोल्डेबल स्मार्टफोन सारे, बट ये वाला एक ऐसा स्मार्टफोन है जो फ्लैगशिप से भी कम में आपको एकदम टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन देता है। और इसके साथ साथ ये एक फोल्डेबल स्मार्टफोन भी है, ये है सैमसंग का नया Z Flip 3 5G। हमने इसका पुराना वर्जन भी ट्राई करा था, वो भी हमने काफी इन डेप्थ यूज कर रखा है, बट फटाफट भाई खोल भी लिया जाओ। स्मार्टफोन अच्छा सा लग रहा है, इसको एक सेकंड साइड में रखते हैं। ये हमारा छोटा सा पुस्तकों का बक्सा, इसके अंदर क्या क्या है, ओ सॉरी तारे भी निकल गए। एक चीज मेरे को ऑनेस्टी चल गया, पुस्तकें कम होती जा रही हैं। ये हमारी छोटी सिम जिसको आप चुबा सकते हो, ये यूएसबी टाइप सी टाइप सी केबल, और वैसे साइड से देखो तो एकदम स्लिम ट्रिम पैकेजिंग, अंदर कोई भी चार्जर नहीं दिख रहे हैं, मेरा अलग से लेना पड़ेगा, बट इसकी वजह से प्राइस भी थोड़ा सा कम हो जाता है। प्राइस की बात थोड़ी सी आगे करेंगे, बट अभी भाई फोन खोल लें। यार तुझे कवर भी आ रहे हैं ना, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, और इसी बताऊं काफी बॉक्सी सी बिल्ड है, साइड थोड़े फ्लैट भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा ऐसे कर्व भी है। ये जो ऑल ब्लैक वाला डिजाइन है डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि साइड्स भी भाई जो एंटीना बैंड्स भी है, उसके बाद बैक साइड में भी पूरा एक मैट ब्लैक फिनिश है। बस एक ही चीज जो ब्लैक नहीं है वो है फ्लैश, बट डेफिनेटली भाई जो फील और फिनिश है वो पुराने वाले से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, और हाथ में पकड़ने में ना एक स्टर्डी सी फील दे रहा है, जैसे पूरा खुला भी हुआ है ना तो बिल्कुल विगल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का भी हिल रहा हो, जो काफी एक अच्छी बात है एक फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए। वैसे जो बटन की प्लेसमेंट है वो काफी सिमिलर है, यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स है, यहाँ पे पावर बटन है, दूसरी साइड बस हमारी सिम ट्रे, और नीचे की साइड एक स्पीकर, और काफी सारे छह माइक्रोफोन्स के लिए। और सबसे पहली चीज जो मैंने इस वाले स्मार्टफोन में नोटिस करी, एक्चुअली वाला है जो आप इसको फोल्ड करते हो ना, ऐसे नॉर्मली अगर आप फोल्ड करो तो आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, बट अगर आप ध्यान से सुनो तो ये छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं ना उनकी आप आवाज सुन सकते हो। ये सेम ब्रिसल्स हैं जिनकी वजह से IPX8 रेटिंग इसको मिल पाती है, और ये धूल मिट्टी और पानी से थोड़ा तक बचाते हैं। मैं ना सुनाने की भी कोशिश करता हूँ। एक्चुअली अगर आप फोन को देखोगे तो हिंज में थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा ज्यादा गैप आपको देखने मिलता है, वो मेरे ख्याल से ब्रिसल्स के लिए भी जरूरी होता है। बट एक काफी इंटरेस्टिंग चीज, जैसे जो पुराना वाला था वो अगर आप इस वाले लेवल से नीचे रखने की कोशिश करो तो वापस नीचे स्नैप कर जाता था, बट इस बार वाला किसी भी एंगल पे, इस एंगल पे रोकना है या फिर बीच में रोकना है या फिर यहाँ पे रोकना है या फिर यहाँ रोकना है, 180 में ऑलमोस्ट जितने भी एंगल आप सब पे आराम से रोक के इसको यूज कर सकते हो। बट फाइनली भाई सबसे तगड़ा रूप स्मार्टफोन का पूरा फोल्ड करके एक छोटा सा स्मार्टफोन बन जाता है, जेब के अंदर डालने में भाई वेरी वेरी कंफर्टेबल। इस बार ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले भी है ये भी काफी ज्यादा बड़ा अपग्रेड है, जैसे अगर आप डबल टैप करोगे तो स्क्रीन खुल जाती है, फिर आप स्वाइप कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग ऑन करनी है या फिर टाइमर स्टार्ट करना है या फिर म्यूजिक प्ले करना है, सारी चीजें एक बार में हो जाती है। और अगर आपको कैमरा खोलना है आप पावर बटन में डबल टैप करोगे कैमरा खुल जाता है, और यहाँ पे क्लिक करके अपनी फोटो आ जाएगी भाई तेजी से। ये वाला पुराना वाला फ्लिप है, इसमें एक छोटी स्क्रीन थी और एक छोटे से दो दो कैमरा, ये वाला जो डिजाइन था ये स्किन है, जल्दी आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, बट इस बार वाले में स्क्रीन पे डेफिनेटली काफी बड़ा अपग्रेड है, और इसलिए हो गया क्योंकि कैमरे का सेटअप वर्टिकल इन्होंने कर दिया, पहले हॉरिजॉन्टल हुआ करता था, और उसके साथ साथ काफी पतला भी हो गया, और सबसे तगड़ी चीज ये कि इसका प्राइस एक्चुअली कम हो गया है पुराने वाले वेरिएंट्स। भाई वेरी वेरी एक्साइटमेंट भाई, इसमें सांप आप देख रहे होंगे काफी हाई क्वालिटी में, बेजल्स भी पुराने वाले से बहुत ही ज्यादा कम कर दी गई, और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे पूरे ही साइड में ना छोटा सा फ्रेम सा चल रहा है, और स्क्रीन अगर आप साइड साइड से नोटिस करोगे तो यहाँ पे कॉर्नर्स में ना छोटे छोटे इंडेंट्स हैं, तो जब आप इसे बंद करोगे ना स्मार्टफोन को तो एक्चुअल स्क्रीन या फिर बॉर्डर आपस में टच नहीं होता। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि अगर समझो आपने ऐसे रख दिया तब भी स्क्रीन का कोई भी पार्ट ना ऐसे इसके ऊपर टच नहीं होता। जब हम फोल्डेबल फोन्स के बारे में सोचते हैं हमको लगता है बस ऐसे सिंपल एक बीच में फोल्डिंग है स्क्रीन लगानी पड़ी, बट एक्चुअल बहुत ही ज्यादा कंपोनेंट्स भी चेंज करने पड़ते हैं, जो एक्चुअल पूरी चिप्स होती है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है दो पार्ट्स में, जो बैटरी होती है वो डिवाइड करनी पड़ती है दो पार्ट्स में, और उसके बाद जाके ऐसा एक स्मार्टफोन बन जाता है। इस वाले में बैटरी भी 3340 mAh है, जो एक फोल्डेबल स्मार्टफोन के हिसाब से डिसेंट है। फोल्डेबल स्मार्टफोन में एक छोटा सा एलिमेंट ऐड होता है कि आप एक्चुअल फोल्ड कर पाते हो स्मार्टफोन, उसके साथ साथ काफी ज्यादा एक्साइटिंग चीजें भी आती है, जैसे बैक कैमरा आपका फ्रंट कैमरा भी बन सकता है, उसके बाद गेमिंग में भी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट इस वाले में क्योंकि आपकी स्क्रीन फ्रंट में भी आपने डबल टैप करा उसके बाद फोटो हमारी खुल जाएगी, आपने लेफ्ट स्वाइप करा वीडियो में भी हो जाता है, राइट स्वाइप करा फोटो, ऊपर स्वाइप करा तो वाइड एंगल में, नीचे स्वाइप करा तो नॉर्मल। ये सारे छोटे छोटे फंक्शन है जो मेरे को बहुत ज्यादा यूजफुल लगे। ये एक्चुअल प्राइमरी कैमरा है जिससे हमने सेल्फीज खींची है, जो बहुत ज्यादा एपिक लगता है, नॉर्मल वाले से सेल्फी खींची है देखेंगे। इस वाले में जो स्टैंडर्ड पंच होल कटआउट होता है वो देखने को मिलता है, और जो सेल्फी आ रही है उसमें डेफिनेटली काफी डिटेल आप बाल बाल देख सकते हो। इसका कैमरा सेटअप है दोनों ही 12 मेगापिक्सल के शूटर हैं, और जो प्राइमरी वाला है उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन भी है, एक हम खींचेंगे नॉर्मल एक हम वाइड एंगल में भी खींच लेंगे। ये पता बहुत ही वेट चीज रही, बट ये वीडियो प्रोडक्शन के लिए बहुत ही एपिक स्मार्टफोन है, मैं बता दूं क्यों। सबसे पहली चीज, कोई भी अगर ऐसे नॉर्मल स्मार्टफोन है उसको आप ऐसे नहीं रख पाओगे, इस वाले स्मार्टफोन को आप जब भी चाहो ऐसे फोल्ड करके ऐसे रख सकते हो। यहाँ पे अगर आप टाइमर लगा दो सेकंड का तो फटाफट भाई ये फोटो खींच लेगा,
जाएगी और सेम चीज आप वीडियो के लिए भी कर सकते हो। पर ऐसा किसी और स्मार्टफोन के साथ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कैमरे की फोटोज हैं डेफिनेटली फ्लैगशिप क्वालिटी के, जो कलर्स हैं उसमें काफी अच्छी क्लैरिटी, काफी बढ़िया कलर्स और काफी सही स्किन टोन्स है। और जितने भी लोग व्लॉगिंग करते हैं आपको कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है, उसके बाद फोटो से वीडियो में मूव करना है और वाइड एंगल में जाके आप डायरेक्ट अपना व्लॉग शूट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, और इससे काफी हाई क्वालिटी फुटेज आपके बैक साइड वाले कैमरे से आते हैं और आपको दिखता भी रहता है। पहले जो एक्चुअल स्क्रीन थी ना वो काफी छोटी थी, तो आप इन सब चीजों के लिए उसको नहीं यूज कर पाते थे। और एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी, यूजुअली जब भी आप स्मार्टफोन पकड़ के रिकॉर्ड करते हो आप ऐसे पकड़ते हो, ऐसे ना ग्रिप अच्छी सी बन नहीं पाती, बट इस वाले को आप एज अ हैंडी कैम ऐसे करके यूज कर सकते हो, यहाँ पे पूरा स्क्रीन आ जाएगी, काफी हद तक एक स्टेबल फुटेज आती है और काफी कंफर्टेबली आप ऐसे करके रिकॉर्ड कर सकते हो। फुल टू सिनेमाटोग्राफर वाली फीलिंग आ सकती है भाई। यूजुअली जो सैमसंग की फ्लैगशिप्स का सेटअप है, कैमरे के फीचर्स में भी और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी वो काफी हद तक सिमिलर है। एक और चीज, इसका जो डिस्प्ले है इसमें काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है, एक 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल है। और ये जो बाहर वाला डिस्प्ले भी है ये भी एक एमोलेड डिस्प्ले है। एक फोल्डेबल डिस्प्ले को 120 हर्ट्ज एमोलेड करना डेफिनेटली एक बड़ा स्टेप है। और क्योंकि जब बंद करते हो स्पेस थोड़ा बढ़ा दिया है, उसकी वजह से यहाँ पे बीच में थोड़ा सा जो उठा होता था ये भी काफी कम हो गया। ये जो छोटा वाला डिस्प्ले आ गया इसमें कुछ नहीं दिखाते तो खड़ी दिखाता है, बट डबल टैप करो तो काफी इंटरेस्टिंग से वॉलपेपर, इसको टैप करके होल्ड करोगे तो आप काफी स्क्रीन चेंज कर सकते हो। अभी हम इतने टाइम से यूज करते हैं हमको पता भी नहीं चला इसमें एक्चुअली काफी हाई क्वालिटी स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है। डेफिनेटली भाई जब स्क्रीन को एकदम आर पार छू रहे तो अलग ही नेक्स्ट लेवल फील आ रही है भाई इसके अंदर। जो भी लोग स्मार्टफोन को लेंगे मैं रिकमेंड करूंगा स्क्रीन गार्ड आप ना निकालो, क्योंकि ये वाली स्क्रीन नॉर्मल स्क्रीन से हल्की सी कम ड्यूरेबल होती है, उसकी वजह से स्क्रीन गार्ड से थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहती है। बट फाइनली एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज जो एक हर फोल्डिंग स्मार्टफोन में हमको करने में काफी मजा आता है वो है गेमिंग। अल्ट्रा HD ग्राफिक्स पे खेली जाएगी गेम भाई, आप खेल के देखेंगे भाई तेजी से कैसा रहता है वो। यार एक को तो मार दे भाई, एक बस मार दे भाई, जो एक्चुअल ग्राफिक्स हैं भाई वो डेफिनेटली भाई बहुत ही हाई क्वालिटी। पर इस साइड से 5 लोगों की KD खराब कर दी, और भाई अल्ट्रा HD सेटिंग पे गेम इस वाले स्मार्टफोन में चली पा रही भाई, बहुत बड़ी बात है। और ऑल्दो हम एक्सपेक्ट करेंगे भाई फोल्डेबल स्मार्टफोन है थोड़ी परफॉर्मेंस कम होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, पुराने वाले में Exynos था, उससे डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपग्रेड है। पर भाई फ्लैट स्क्रीन पे खेलने में थोड़ा सा से मजा स्पॉइल हो जा रहा है, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का टाइम आ गया है। यहाँ से हम इसको कर देंगे फोल्ड, वाओ भाई कहाँ है भाई आगे पीछे। वैसे ऐसे खेलने में डेफिनेटली काफी भाई इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस रहता है, जैसे हम लोग BGMI खेल रहे हो, फिर आपकी मम्मी वीडियो कॉल चल रही थी पढ़ाई वाली, किसी को क्या ही पता चले, आप ऑफिस में बैठे BGMI खेल रहे हो, आपको बहुत सारा ईमेल का रिप्लाई हो रहा था भाई, किसी को क्या ही पता चलेगा। अगर आपको डबल मजा चाहिए यहाँ पे आप खोल सकते हो ओपन एंड पॉप अप व्यू, और BGMI खेलते खेलते हम 4K में वीडियो भी अपनी देखते रहेंगे भाई। ये सारी छोटी छोटी चीजें लगी बट एक्चुअली काफी यूजफुल है, और ये सब इसलिए हो पा रही है इसके सॉफ्टवेयर में काफी सारी ऑप्टिमाइजेशन वाली चीजें डाल। और बेसिकली अगर आप नॉर्मली भी यूज करो तो एक फ्लेक्स मोड है, जैसे अगर आप नॉर्मली ब्राउजर यूज करो तो ऊपर की साइड पे आपका ब्राउजिंग वाली विंडो खुल जाएगी और नीचे आपके सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो। तो अगर जैसे मैंने यूट्यूब को रखा है और वीडियो हमारी प्ले हो रही है, अगर जैसे मैं फ्लेक्स करूंगा ऊपर वाली स्क्रीन पे पूरा अपनी वीडियो आ जाएगी, नीचे वाले पे मैं पूरा आराम से स्क्रॉल कर सकता हूं, तो काफी अच्छा डिविजन सा हो जाता है और काफी सीमलेस सा रहता है। ऑल्दो फोल्डेबल स्मार्टफोन थोड़े से कॉमन हो गया, बट अभी भी मैं इसको जब भी मेट्रो में या फिर कहीं भी टेस्टिंग के लिए लेके जाता हूं भाई, लोग एक बार मुड़ के डेफिनेटली देखते हैं कि भाई इसका फोन फोल्ड कैसे हो रहा है। और भाई सारी चीजें मिला के स्नैपड्रैगन 888 एक फ्लैगशिप कैमरा, फोल्डेबल स्क्रीन है पुराने वाले से, डेफिनेटली काफी बड़ा अपग्रेड है। इसका प्राइस 85,000 रुपीज से स्टार्ट होता है और अभी तक का सबसे सस्ता सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोल्डेबल स्मार्टफोन है। और इसके साथ साथ अगर एज ए रेगुलर यूजर, जैसे अभी हमारी टीम में भी काफी लोगों ने करा है, इसको आप यूज करोगे तो डेफिनेटली एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको देगा। और अगर आप मार्केट में एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो डेफिनेटली भाई इसको कंसिडर करा जा सकता है। अगर आज इस वाले स्मार्टफोन को आप बुक करते हो 23 अगस्त को, तो आपको और भी ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इस वाले स्मार्टफोन की अर्ली डिलीवरी मिल जाएगी। बट भाई डेफिनेटली हमको इस वाले स्मार्टफोन को ट्राई करने में बहुत ही ज्यादा मजा है, और होपफुली आप लोगों को वीडियो देखने में भी आ रहा है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली इंटरेस्टिंग वीडियो में। बट अभी के लिए बाय बाय।